दोस्तों, ये बीच में मैं इसलिए उठ के आया कि आज की इस मीटिंग के, आज की इस सभा के कोर को समझना बहुत जरूरी है। जो बात पृथ्वी रेड्डी ने की, पृथ्वी पूरी पार्टी के लिए फंड रेजिंग का काम कर रहे हैं और जिस चीज से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी ताकत भी है वो ये, भाई सुनो, भाई मंच के आसपास शांति नहीं रहेगी तो उधर तो ज्यादा शोर मचेगा, मंच के पास थोड़ा सा जिम्मेदारी से लोग खड़े हों, क्योंकि वहां लगेगा मंच के आसपास ही इतना शोर है तो कहीं भी शोर मचाया जा सकता है। तो जो आदमी मंच के पास खड़ा हो, थोड़ा जिम्मेदारी से खड़ा हो अपनी से, कि वो शांत रह सकता है, सुन सकता है थोड़ा सा। तो मैं ये कह रहा था कि पृथ्वी ने जो बात कही वही हमारी आज जरूरत भी है, लेकिन वही हमारी ताकत भी है। मैं दिल्ली का वित्त मंत्री, आप सब लोगों के प्यार, आप सब लोगों के साथ से पिछले 3 साल से लगातार बजट बना रहा हूं दिल्ली सरकार का। और आपको पता है, लार्जली लोग दिल्ली के हैं, आपको सबको पता है कि जब दिल्ली सरकार में आए थे 3 साल पहले, तो दिल्ली सरकार का बजट होता था, रट लो, ध्यान रख लो, समझाने के काम आएगा, पार्क में आरएसएस वाले बहुत अफवाह फैलाते हैं। जब हम सरकार में आए थे तो दिल्ली सरकार का बजट होता था 29,000 करोड़ रुपए, 29,000 करोड़ रुपीज। उसके पहले 28,000 करोड़ रुपए, उससे पहले 27,000 करोड़ रुपए। एक एक साल वापस चलते चले जाओ, 3 साल पहले 2012-13 में बजट था 26,000 करोड़ रुपए। तो 3 साल में बजट आया 26,000 करोड़ रुपए से 29,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की आमदनी दिल्ली सरकार को बढ़ रही थी। रुको, समझ लो, चीजों को समझ नहीं रहे हो इसलिए बीच में ताली बजा दे रहा हूं, माफ करना, थोड़ा गंभीर बात कर रहा हूं। लेकिन पिछले 3 साल में हमारी सरकार आने से पहले हर साल बजट बढ़ता था 1,000 करोड़ रुपए, और 26,000 करोड़ रुपए से 29,000 करोड़ रुपए पहुंचा 3 साल में। लेकिन पिछले 3 साल में जब से आपकी सरकार आई है, ये टोपी वालों की, झाड़ू वालों की, केजरीवाल की सरकार आई है, बजट हो गया है 3 साल में 29,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 53,000 करोड़ रुपए। जो बजट पहले एक हजार करोड़ रुपए प्रति वर्ष बढ़ रहा था मुश्किल से, वो पिछले 3 साल में 8,000 करोड़ रुपए हर साल बढ़ रहा है, 8,000 करोड़ रुपए। ये आपकी ताकत है, इस बात पे फक्र कीजिए। देश की किसी गवर्नमेंट का बजट इस तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना तेजी से आज दिल्ली सरकार का बजट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ईमानदार सरकार चुनी थी। और ईमानदार सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता कि जनता के पैसे को ईमानदारी से खर्च करे, बल्कि ईमानदार सरकार का काम यह भी होता है कि जनता जब टैक्स के पैसे दे तो वो ईमानदारी से जनता के खजाने में पहुंचे, सरकार के खजाने में पहुंचे। पहले जो जनता का पैसा इकट्ठा होता था और चोरी हो जाता था, आज वो पैसा इकट्ठा हो रहा है और सीधे खजाने में पहुंच रहा है, और वहां से फिर आपके स्कूल बन रहे हैं, वहां से फिर आपके मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, वहां से फिर आपकी वृद्धावस्था, विधवावस्था पेंशन 1,500 से 2,500 तक बढ़ती चली गई है। वो काम कर रही है आपकी सरकार। कैसे चोरी होता था, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, और इसको समझना जरूरी है। आज हमारे सब पदाधिकारी हैं, जितने भी साथी बैठे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, चाहे मोहल्ले में बैठे हो, वार्ड में बैठे हो, विधानसभा लेवल पे बैठे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठे हो, स्टेट की किसी टीम में हो। आप सबके लिए ये उदाहरण मैं बता रहा हूं कि आपकी सरकार ने, हम हमेशा कहते हैं अरविंद जी भी, अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उदाहरण देंगे आपके सामने, कैसे हमने 350 करोड़ वाला फ्लाईओवर 300 करोड़ में बनवा दिया। वो है ईमानदारी से खर्चा, लेकिन ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करना भी सरकार का काम है, और उसकी वजह से आज आपका बजट 8,000 करोड़ रुपए हर साल के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। कैसे? एक सिंपल उदाहरण बताऊंगा, चोरी कैसे होती थी। हम लोगों ने एक दिल्ली के बड़े पिज्जा रेस्टोरेंट पे छापा लगवाया, हमें सूचना मिली कि चोरी होती है वहां पे टैक्स की, हमने वहां पे रेड डलवाई। पता क्या चला? जैसे आप लोग जाते हैं मार्केट में, 1,000 रुपए का आपने पिज्जा खाया, 12% का टैक्स देके आ गए, तो 1,000 रुपए वाले पिज्जा के कितने रुपए देके आए? 120 रुपए एक्स्ट्रा देके आए टैक्स के। तो आप 1,000 रुपए देके नहीं आते, 1,120 रुपए देके आते हो, और ये सोच के देके आते हो कि 1,000 रुपए पिज्जा वाले के और 120 रुपए सरकार के, ऐसी सोच के देके आते हो ना। लेकिन
वो पिज्जा वाला रात को अपने कंप्यूटर में बैठ के आपकी सारी परचेज की एंट्री डिलीट कर देता था। मतलब 1000 रुपए तो जो उसको दिए वो दिए उसके पास, जो 120 रुपए आपने सरकार के लिए दिए थे वो भी पिज्जा वाले के पास चले गए। बहुत बड़ी पिज्जा चेन थी। लेकिन मैं अरविंद जी सबके सामने बता रहा था कि किस तरह से पिछले 3 साल में दिल्ली का बजट, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं बता रहा था कि किस तरह से 3 साल में दिल्ली का बजट 29,000 करोड़ से 53,000 करोड़ रुपए पहुंचा है, और उसमें कैसे सिर्फ खर्चे में नहीं पिछले 3 साल में बल्कि टैक्स इकट्ठा करने में भी ईमानदारी बरती गई है। ये जो 8,000 करोड़ रुपए हर साल का एक्स्ट्रा बढ़ता चला गया है ये ईमानदारी की राजनीति की बदौलत हुआ है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था इन लोगों को कि अगर ये पिज्जा खाने जाते हैं हम लोग मार्केट में तो 1000 रुपए का पिज्जा खाते हैं तो 120 रुपए टैक्स देके आते थे। उस 120 रुपए को शाम को वो पिज्जा की दुकान वाला अपने कंप्यूटर पे बैठ के डिलीट कर लेता था और 1000 रुपए उसके पास, और 120 रुपए जो हमने टैक्स के दिए थे सरकार के पास जाने के लिए वो भी उसके पास चले जाते थे। लेकिन पिछले 3 साल में अच्छा होता क्या था, उसके बाद जो 120 रुपए आपके टैक्स के पैसे की चोरी करता था उसकी इंस्पेक्टर से सेटिंग रहती थी और इंस्पेक्टर की नेता से सेटिंग रहती थी। तो पार्टी के चंदे से लेके नेता के पर्सनल अकाउंट में और इंस्पेक्टर के पर्सनल अकाउंट तक में खूब पैसा जमा होता था। वैसे जनता टैक्स देती थी सोच के कि टैक्स में जाएगा, और वो चला जाता था इंस्पेक्टर के अकाउंट में, नेताओं के अकाउंट में, पार्टी के अकाउंट में। आज आपकी पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है, इसके बावजूद कि 8,000 करोड़ रुपए हर साल सरकार में। और इसी वजह से, क्योंकि हम चाहते, अगर हम और आप मिलके बेईमानी की राजनीति करने आए होते तो 8,000 करोड़ रुपए में से हर साल 1,000 करोड़ रुपए का टैक्स बढ़ा देते, 2,000 करोड़ का बढ़ा देते, 6,000 करोड़ रुपए एक साल में पार्टी में आ जाते। लेकिन नहीं किया, क्योंकि आपने और हमने जो जंतर मंतर पर लाठियों के दौर से राजनीतिक पार्टी निकाली है वो इसलिए नहीं निकाली है कि 1,000 करोड़ की जगह आगे बढ़ोतरी ना हो, ईमानदारी से टैक्स इकट्ठा हो और ईमानदारी से वो टैक्स खर्च हो, इसके लिए पार्टी बनाई थी। 53,000 करोड़ का बजट है, पिछले साल 46,000 करोड़ का करीब 45-46,000 करोड़ का बजट था, उससे पहले साल 38,000 करोड़ का बजट था। इन 3 सालों में ये पैसा ईमानदारी से खर्च करवाया है, इकट्ठा करने में चंदा ले लेते तब भी आ जाता, और इस पैसे को खर्च करने में जरा सी बेईमानी करवा देते तो 1,000 करोड़ रुपए आ जाता, 1,000 करोड़ रुपए। लेकिन लानत होती हमारे ऊपर अगर हम इस पैसे से चोरी करके पार्टी में चंदा ले लेते या किसी के उस पर लेते, फिर होना क्या था। इसलिए आज पार्टी के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा है। आज हम, आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी को, जहां भी कोई योजना की बात आती है, जहां भी कोई पैसे की बात आती है, हर जगह उनके मुंह से एक ही निकलता है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास पैसा बहुत है। आप जरा दूसरे राज्यों के मंत्रियों को सुनो, मैं वित्त मंत्रियों की बैठक में बैठता हूं, मैं शिक्षा मंत्रियों की बैठक में जाता हूं, हर जगह कोई भी नया काम करना हो, जनता कोई काम लेके जाए, पैसा कहां से आएगा। एक हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं योजना बनाओ, पैसे की कमी नहीं है, सरकार योजना बनाए, पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए था वो ईमानदारी से सरकार के खजाने में जा रहा है और वहां से ईमानदारी से खर्च हो रहा है। इसलिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, पार्टी के पास पैसे की कमी है, वो तो हम मिलजुल के पूरी कर लेंगे, जनता देगी पैसा, बस जनता के बीच जाने की जरूरत है। और याद रखिएगा, हम वही लोग हैं जो जंतर मंतर पे जब जाके खड़े हुए थे, रामलीला मैदान में जाके खड़े हुए थे, तो रामलीला मैदान में आंदोलन चल रहा था, वहां पे लोग पैसा डोनेशन करने आ रहे थे, गांव-गांव से, देश के दूर दूर के इलाकों से लोग इकट्ठा करके आ रहे थे, सरपंच लोग कई जगह से पैसा लेके आए थे। और हम जब हमारे पास में, हमें लगा कि रामलीला मैदान में पूरे आंदोलन के लिए उस समय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत नहीं थी, तो ऐलान किया गया मंच से कि भाइयों पैसा लेके मत आना, बस खुद आ जाना। पैसे लेने बंद कर दिए थे बहुत लोग, मैं खुद बैठता था उधर, नीचे रहता था मंच के, लड़ते थे लोग आके, रोते थे कि साहब हम तो इकट्ठा करके लेके आए हैं, आप ले लो। मैं कहा नहीं लेंगे। आगे चले, हमने पार्टी बनाई,
पार्टी बनाई, पहला चुनाव लड़ रहे थे। पंकज अगर मैं सही हूं तो बताना, पंकज सारी चीजें देखते हैं। 20 करोड़ रुपए, देश के इतिहास में पहली ऐसी पार्टी थी जो पहला चुनाव लड़ रही थी, जनता चंदा दिए चली जा रही थी। हमने हिसाब लगाया, चुनाव लड़ना है दिल्ली का, ईमानदारी से चुनाव लड़ना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी, वोट नहीं खरीदने, दारू नहीं बांटनी, कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए चाहिए, 20 करोड़ के बाद फ्रीज कर दिया, नहीं चाहिए। आज तक देश के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यह नहीं कहा कि दोस्तों चंदा देना बंद कर दो, क्योंकि उस वक्त लगता था। आज वापस कहेंगे और हम सब मिलकर कहेंगे और उसी जनता के बीच में जाके कहेंगे जो इस बात को नाराज होती थी आपने 20 करोड़ पे बंद क्यों कर दिया, उसी जनता के बीच में जाके कहेंगे जो रामलीला मैदान में आके कहती थी हम तो इकट्ठा करके लाए थे आप ले लो ना, उसी जनता के बीच में कहेंगे, उसी जनता की राजनीति के लिए करेंगे। आज अगर दिल्ली के स्कूल अस्पताल सारी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, अगर डोर स्टेप डिलीवरी जैसी सेवाओं पर जिनसे ना सिर्फ दलाली बंद हो रही है बल्कि दुनिया भर के अखबारों में भारत का नाम रोशन हो रहा है, दिल्ली सरकार का नाम रोशन हो रहा है और दिल्ली के आम आदमी की जिंदगी से दलाली गायब हो रही है, तो आज उस राजनीति की स्थापना के लिए वापस हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच जाके कहेंगे जी ये सरकार ऐसे चलनी है, देश की राजनीति को यहां लेके आना है और देश की राजनीति देश के चंदे से चलेगी, जनता के चंदे से चलेगी, दलालों के चंदे से नहीं चलेगी और दलाली के चंदे से नहीं चलेगी। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आज आप यहां पे आए हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे जोश, वही ऊर्जा, वही जोश जो 2013 के चुनाव में दिखा था, जो 2011 के आंदोलन में दिखा था और 2015 के आंदोलन में जिस जोश, जिस उम्मीद की बदौलत दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दी थी और भरोसा किया था, उसी भरोसे को लेके, उसी सच्चाई को लेके वापस जनता के बीच में चलेंगे और वहां से चंदा मिलना शुरू होगा और जब उस चंदे से राजनीति करेंगे तो फिर हमें किसी अंबानी और अडानी को दलाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।